दुर्ग के राजेंद्र प्रसाद चौक पर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का गृह मंत्री व जल संसाधन मंत्री ने अनावरण किया। इस अवसर पर श्री चौबे ने कावेरी नदी में कृष्ण सागर बांध के निर्माण का जिक्र कर श्री विश्वेश्वरैया के योगदान को बताया। अभियंता दिवस के अवसर पर भारत रत्न सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर गुरुवार को दुर्ग के राजेंद्र प्रसाद चौक पर मूर्ति अनावरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के गृह मंत्री तामध्वज साहू व जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इन्होंने दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल की उपस्थिति में मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री तामध्वज साहू व जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने उपस्थित इंजीनियरों को अभियंता दिवस की बधाइयां दी और उन्हें ऐसे सृजनात्मक कार्य करने को कहा जिससे कि शहर की पहचान लंबे समय तक बनी रहे। हमारा सौभाग्य है कि अरसे से जिस शिवनाथ मंडल तांगुला संभाग के इस चौराहे को हम देखते रहे हैं, आज सृजन का ये काम जो इंजीनियरों का काम होता है, सुरेश पांडे ने ये करके दिखाया। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दो तीन बातें हैं, छोटी छोटी बातें, बहुत अधिक बातें मैं नहीं कहूंगा। विश्वेश्वरैया जी को स्मरण कर रहे हैं, अमिताभ और दुर्गा के साथ हम लोग बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, दोनों के पास जो मेजर वर्क्स डिपार्टमेंट है हम लोगों के पास है, पूरे प्रदेश घूमते रहते हैं, इंजीनियरों से हमारी मीटिंगें होती रहती हैं। हम लोग कल्पना भी करते हैं, हमारे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने जब हमें गंगरेल के ऊपर में मारम सिल्ली दिखाया, तब याद किए उस दिन का कि अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा कैसे बन सकता था, इंजीनियर ऐसे भी होते थे और लोग इतना कॉन्क्रीट काम करके जाते थे। हम लोग जब अभी बैठक कभी कभी करते हैं तो अपने साथियों से चर्चा करते हैं कि 100 साल पहले निर्मित उस संसाधन का अभी तक हम दोहन कर रहे हैं और आने वाले 2 जनरेशन लगभग 100 साल और उसका उपयोग किया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे ना, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। समाज में इंजीनियरों को सबसे टॉप ब्रेन माना जाता है, केवल आज नहीं, शुरू से जिनका हम स्मरण कर रहे हैं, जिनका पूजन कर रहे हैं, जिनका प्रणाम कर रहे हैं, वहां से अभी आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी उनके जीवन चरित्र के बारे में बता रहे थे कितना उपयोग हो सकता है। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए सारे इंजीनियर लगभग उसी समकक्ष ब्रेन के हैं। अवसर की बात है, हम समाज में ये मान के चलते हैं कि ये जो वर्ग बैठा हुआ है, ये जो वर्ग काम कर रहा है, वो समाज का सबसे अद्भुत ब्रेन का ये वर्ग है, उसका सदुपयोग करें। इस मौके पर अपने संबोधन में मंत्री साहू ने कहा कि हमारे इंजीनियर बहुत प्रतिभाशाली हैं। अभी भिलाई स्टील प्लांट से देश भर में हमारी पहचान बनी हुई है। हमारे अभियंताओं को दुर्ग शहर में भी ऐसा कुछ मॉडल वर्क तैयार करना चाहिए जिससे दुर्ग शहर को भी इंजीनियरिंग की किसी नवाचार के लिए याद किया जाए। वहीं अपने संबोधन में जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि स्वर्गीय श्री विश्वेश्वरैया का योगदान न केवल देश के लिए अहम है, अपितु उन्होंने भारतीय प्रतिभा की धाक दुनिया पर जमाई है। श्री चौबे ने यह भी कहा कि जिस समय कावेरी नदी में कृष्णराज सागर बांध बनना था और अंग्रेज विशेषज्ञों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, तब विश्वेश्वरैया ने यह चुनौती स्वीकार की और बांध का निर्माण कर दिखाया, जो इंजीनियरिंग का अपने समय का अद्भुत नमूना था। साथ ही उन्होंने मूर्ति निर्माण के लिए जन संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता सुरेश पांडे तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता अशोक श्रीवास को बधाइयां भी दी। मनाया जाता है इस दिन, बहुत बड़े इंजीनियर रहे विश्वेश्वरैया जी, आज़ादी के पहले इस देश के निर्माण में सिंचाई में कई इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पाई है और बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। उनको स्मरण करने के लिए इंजीनियर्स डे आज के दिन मनाते हैं। आज यहाँ उनके मूर्ति का अनावरण भी किया गया
और सारे इंजीनियर सभी विभाग के यहाँ उपस्थित रहे हैं, उन सबको हम लोगों ने बधाई दिया, शुभकामनाएं दिया, उन लोगों से निवेदन भी किया कि आप लोग भी कोई नई योजना, नया कोई प्रोजेक्ट इस प्रकार से बनाएं कि दुर्ग में उसकी स्थापना हो और उसके कारण दुर्ग को दूर दूर तक लोग जाने। डीजीपी साहब ने आज में बैठक ली है, क्या क्राइम इतना बढ़ चुका है दुर्ग जिले में जिसके साथ बैठक ली है? नहीं, बढ़ने के बाद बैठक लेते हैं ऐसा नहीं है, हमारी रूटीन प्रक्रिया है। मंथली बैठक अलग करते हैं, वीकली अलग करते हैं, अलग अलग चीज़ों में। मैं खुद भी जिलों में जाकर बैठक लेता हूँ, ये रूटीन प्रक्रिया। एसपी लोग अपना लेते रहते हैं, आईजी अलग, डीजीपी अलग, तो हमारा रूटीन प्रक्रिया है ताकि लगातार ये काम चलता रहे। पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी के मूर्ति का अनावरण हमारे कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भैया श्री ताम्रध्वज साहू जी के कर कमलों से संपन्न हुआ और इंजीनियरों को आज इस अवसर पे हमने बधाई दिया और उम्मीद किया कि जिस प्रकार हम विश्वेश्वरैया जी को याद कर रहे हैं इस देश के निर्माण में उनके बड़े योगदान की, आने वाले समय में इस सृजन का सारा काम हमारे इंजीनियर साथी ही करते हैं, देश को भी उनसे उसी प्रकार की उम्मीदें हैं। इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं अपने सभी इंजीनियर साथियों को अपनी बधाई देता हूँ। किसी चौक का, चौराहे का, किसी भवन का नामकरण की प्रक्रिया होती है, आज केवल और केवल विश्वेश्वरैया जी की मूर्ति का अनावरण ही हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।